हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? आज एक नया चैप्टर शुरू करना है मेरे बच्चे। चैप्टर का नाम आपका है टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। टूल्स का मतलब होता है तरीका, टेक्निक, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है आप ऑलरेडी जानते हैं। ध्यान देना, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आपको पता है, इसमें मेनली एसपीएल और आपका बैलेंस शीट आता है। मेरे बच्चे, इनका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस का मतलब होता है इंटरप्रेट करना, जानना कि जो हमने प्रॉफिट कमाया बैलेंस शीट में, जो हमारा पोजीशन दिख रहा है, मतलब जो हमने परफॉर्मेंस दिया, ये परफॉर्मेंस जो आपने दिया और आपके बैलेंस शीट में जो पोजीशन दिख रहा है, ये दोनों आपका एनालिसिस किया जाएगा कि कितना अच्छा कितना खराब। पिछले साल के मुकाबले हम लोगों ने ग्रो किया है, पिछले साल के मुकाबले हमारा बिजनेस डाउन हुआ है, ये सब एनालिसिस होगा। हम लोग दूसरे जो इंडस्ट्री में लोग हैं, इंडस्ट्री में जो दूसरी कंपनीज है, हम उनसे भी अपने आप को कंपेयर करेंगे। मेरे बच्चे, एक बात और बताऊं, अगर आप कल को बड़े होकर सिर्फ बीकॉम बन के रह गए, बीकॉम सिर्फ किया आपने, बीकॉम यानी कि ग्रेजुएशन, तो आप टू द मैक्सिमम अप टू जो आपका काम आएगा, वो ज्यादा से ज्यादा अगर आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन तक आप रहोगे। प्रिपरेशन यानी कि आप क्या करोगे, आपका प्रिपरेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का होता है, जर्नल एंट्री, लेजर अकाउंट, सब्सिडरी बुक, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस यानी कि एसपीएल बैलेंस शीट बनाना, बस यहां तक आपका काम चलेगा। लेकिन अगर आपने सपना देखा है कि मुझे सीए करना है, सीएमए करना है, सीएस करना है या फिर एमबीए करना है, इनमें से कोई भी डिग्री अगर करना चाहते हो, कोई भी डिग्री, तो मेरे बच्चे वहां पे आपको सिखाया जाएगा ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया, इसका एनालिसिस कैसे होता है। मतलब अगर हम बात करें किसी कंपनी के अंदर में, तो कंपनी में छोटे लेवल पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है और बड़े लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो उसका एनालिसिस करती है। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को वो इंटरप्रेट करेंगी, एनालिसिस करेंगी और डिफरेंट डिसीजंस जो फ्यूचर के लिए उनको लेने हैं वो उनको लेना शुरू करेंगी। ये कैसे होगा, क्या क्या होगा, वही बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं चैप्टर शुरू करने के पहले आपको बता दूं, आप में से कोई भी बच्चा बीकॉम बन के सिर्फ जिंदगी खत्म नहीं करेगा, ये मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, हम यहां की बातें पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें एनालिसिस करना है, हमें किसी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट में जाना है या हमें खुद ऐसी कंपनी क्रिएट करना है जहां पे हम एनालिसिस कराएंगे अपने इम्प्लॉय से, तो ये सारी बातें आपका निकल के आएंगी यहां पे। मैं आपको बता दूं, लिखो मेरे साथ थोड़ा, आपका लिखेंगे टूल्स। टूल्स कौन कौन से हैं ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मेरे बच्चे, इस चैप्टर में आपके एग्जाम में बहुत सारे थ्योरी भी आते हैं, बहुत सारे थ्योरी, तो वो जो थ्योरीज आएंगे पहले हम न्यूमेरिकली उसको समझेंगे, और जैसे कि बाकी चैप्टर्स में हम करते हैं, लास्ट में जाके हम उसकी थ्योरी को दोबारा एक बार स्टडी करेंगे। पहले टूल्स में लिखिए कौन कौन से टूल्स आपका है। एक है आपका कंपेरेटिव, कंपेरेटिव लिखो आप यहां पे, एक आपका यहां पे कंपेरेटिव स्टेटमेंट या कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इसको कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक तरीका हमारे पास ये होगा कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर टू में मेरे बच्चे लिखो यहां पे कॉमन साइज स्टेटमेंट हम यहां पे बनाते हैं। सर कैसे बनता है, देखो कैसे बनता है वो तो बहुत सिंपल है, मैं आपको एक समझाऊंगा और आपका बन के तैयार हो जाएगा, लेकिन कैसे बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप इस चैप्टर को पढ़ते समय आप अपने आप को एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल मानेंगे, और बनने के बाद उसका इंटरप्रिटेशन क्या क्या होगा, कैसे कैसे, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, जो बहुत कम बच्चे समझते हैं। मेरे बच्चे तीसरा यहाँ पे जो आपका आएगा वो आएगा रेशियो एनालिसिस, पूरे आगे के बुक्स में आपको यही स्टडी करना है। एंड फोर्थ जो आपका है वो यहाँ पे स्टडी किया जाएगा आपका यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट। एग्जाम में अगर आ जाए कि जरा बताओ कि आपके पास टूल्स कौन कौन से हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, तो कंपेरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस एंड कैश फ्लो, इनके बारे में क्या लिखना है वो चैप्टर को आगे चलने दो, अपने आप समझ में आ जाएगा, मैं अलग से डिस्कस भी करूंगा। इसके बाद एक और भी होता है मेरे बच्चे, फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन एक्चुअली क्योंकि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, हम बाकी चैप्टर्स को आगे बढ़ाएंगे। आपका मतलब ये चार जो होंगे वो आगे के चार चैप्टर में आपको स्टडी करना है। चलो जरा मैं स्टार्ट करता हूं आपका कंपैरेटिव, आपका स्टेटमेंट यानी कि कंपैरेटिव फंड स्टेटमेंट के साथ आपका। मैं सोचता हूं कि मैं आपको एक फॉर्मेट लिखा दूं, लेकिन फिर मन करता है कि फॉर्मेट से अच्छा होगा कि क्यों ना मैं आपको पहले क्वेश्चन कराऊं और उस क्वेश्चन से बातों को समझाऊं, फिर हम लोग फॉर्मेट का अलग से डिस्कशन कर लेंगे। तो ये काम करते हैं, क्योंकि बोलूंगा, ज्यादा बोलूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। हम लोग एक काम करते हैं, एक फॉर्मेट से, मतलब माफ कीजिए, एक क्वेश्चन के थ्रू हम इन बातों को समझते हैं। तो आप एक काम करो, ये चार में से पहले मैं आप लिखो जरा यहाँ पे, इस पेज को छोड़ दो और अगले पेज पे लिखो आप, मैं इसको मिटा दूं यहाँ पे। आज हमारा जो स्टडी होगा मेरे बच्चे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर, तो आप नया पेज लीजिए या इसी पेज ले लो, कोई बात नहीं, अभी पेज काफी बड़ा हुआ है, मचा हुआ है। लिखो जरा हेडिंग आप दोबारा इसी के नीचे में, पहला जो था आपका नंबर ए, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में यहाँ पे दो नाम, दो तरीके का आपका कंपैरेटिव बनता है। एक तो आपका मैं एक बार नाम वही देख लो जो आपको दिया हुआ है, एक बनता है मेरे बच्चे कंपैरेटिव, लिखिए आप यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे जो बैलेंस शीट है हम उसको कंपेयर करेंगे। और दूसरा आपका होगा कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट यानी कि SPL। तो ये दो पार्ट में यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। रिपीट कर रहा हूं, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका है, मतलब चार टूल्स में जो पहला वाला टूल है वो कंपैरेटिव, मतलब कंपेयर करना आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो आप जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो नाम होते हैं, बैलेंस शीट और दूसरा इनकम स्टेटमेंट। बच्चे हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे किया जाएगा मैं बताऊं, थोड़ा सा दिमाग में इमेजिन करना, फिर आगे बताऊंगा। इसमें होता क्या है, हम लोग दो साल का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, पिछले साल का और इस साल का। हम लोग दो साल का हर एक आइटम जो बैलेंस शीट में आपका है उनके फिगर्स को हम लिखेंगे, आपका पिछला साल और करंट ईयर। फिर मेरे बच्चे हम दोनों में कंपेयर करते हैं, देखते हैं कि चेंज कितना आ रहा है। मतलब ये हमारा मान लो 2018 पिछला साल है, अभी लिखना मत, 2019 अगर करंट ईयर है, तो फिर हम लोग यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि अगर मान लो जैसे फिक्स्ड सेट्स यहाँ पे 5000 रुपए के थे और यहाँ पे 6000 हो गए, तो चेंज कितने से हुआ, 1000। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट चेंज। हमें जानना होता है कि पिछले साल के मुकाबले हमने अपने एसेट्स में, लायबिलिटी में, रिजर्व में, कैपिटल में, मतलब जो बैलेंस शीट के आइटम्स हैं उसमें क्या चेंजेस आए और कहां कहां से कैसे कैसे। तो एक तो हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे। फिर अगला हेडिंग जो बनता है मुझे परसेंटेज चेंज, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, इसको परसेंटेज में जज करेंगे। सर परसेंटेज का मतलब मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो जरा बताओ चेंजेस कितने का हुआ, 1000 का। अगर 5 इंक्रीज टू 6000, मतलब देयर इज नाउ चेंज ऑफ 1000, तो 1000 का जो चेंज हुआ, हम चेक करते हैं कि ऑन 5000 ये कितना परसेंटेज है, मतलब जो चेंज हुआ 1000 वो लिखा जाएगा। और ध्यान रखना जो प्रीवियस ईयर, जो बेस ईयर है, ये तो हमारा करंट ईयर है और ये हमारा पिछला साल है लास्ट ईयर, तो लास्ट मुकाबले के अंदर ये कितना चेंज हुआ है, मतलब लास्ट से कंपेयर करते हुए, तो 5000 आपका नीचे और इनटू आपका 100% को निकालने के लिए ये कितना आ गया, 20%। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देना, हमारे पास यहाँ पे जब कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनेगा, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट में यहाँ पे एक तो चार कॉलम, इसके बाद दो कॉलम यहाँ पे और बन जाते हैं, एक आपका पर्टिकुलर्स का, जहाँ पे बैलेंस शीट के अंदर आने वाले नाम को लिखा जाएगा। यहाँ पे नोट नंबर का मतलब हुआ कि अगर इस नाम का डिटेल आपने नीचे दिखाया है नोट्स टू अकाउंट में, जैसे मान लो आपका यहाँ पे एक नाम होता है शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, अगर ये डिटेल आप नीचे दिखाते हो नोट में, तो किस नोट से हम इसको समझेंगे उसके बारे में। दोबारा सुनिए मैंने क्या बताया, जैसे इक्विटी और प्रेफरेंस है, तो इक्विटी और प्रेफरेंस जो आपका है,
इसका डिटेल अगर आपको बताना है, डिटेल आपका, तो हम नोट नंबर उसको लिखते हैं और उसका डिटेल हम नोट में दिखाते हैं। कैसे, मैं क्वेश्चन में दिखाऊंगा। एक्चुअली मैं कहना चाहता हूं कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते समय 6 कॉलम क्रिएट किए जाएंगे, एक कॉलम जिसमें सारे बैलेंस शीट के नाम लिखे जाएंगे, एक नोट नंबर जिससे हम इसका डिटेल बताएंगे कि कहां पे नोट्स टू अकाउंट में इसका डिटेल है, तीसरा आपका पिछला साल, फिर करंट ईयर, देन एब्सोल्यूट और फिर आपका परसेंटेज। ये बहुत सिंपल है मेरे बच्चे, आप 2 मिनट में समझ जाओगे। तो आओ ना, मैं यहां पे दिखाऊं ये काम कैसे किया जाएगा। एक काम कीजिए, अब इस पेज को आप छोड़ दो, अब इस पेज को छोड़ दो और आप अगले पेज पे आ पाओ, आप इस पेज को छोड़ दो और अगले पेज पे आओ और लिखो कंपेरेटिव बैलेंस शीट। आप जरा नए पेज पे आइए और हम लोग यहां पे आज पहले स्टडी करते हैं कंपेरेटिव। लिखिए मेरे साथ कंपेरेटिव बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट जो यहां पे है हम उसको यहां पे कंपेयर करेंगे। कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपका, तो हम इसके बारे में यहां पे स्टडी करते हैं। देखो ज्यादा बोलूंगा आप परेशान हो जाओगे और ऐसे समझाने में, समझने में मजा भी नहीं आता है। मजा तब आएगा जब किसी क्वेश्चन के साथ देखेंगे। आओ ना बुकलेट का जरा क्वेश्चन नंबर 1 को देखो, आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है, पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे आप यहां पे, कहता है मिला क्वेश्चन नंबर 1 बुक में, जल्दी चेक करेंगे मेरे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 का। 1 पढ़ना, 1 From the following balance sheet of X Limited as on 31st March 2019 prepare comparative balance sheet. ये 31st मार्च 2019 को जो बैलेंस शीट दे रहा है उसमें कहता है कि कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाइए। आप याद करो मेरा पिछला जो चैप्टर था मेरे बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर में, मैंने वहां पे बताया था कि जब भी बैलेंस शीट या जो एसपीएल बनता है हम वहां पे 2 साल के फिगर को लिखते हैं, 2 साल का। मैंने फिर कहा था आपको कि अगर क्वेश्चन में 2 साल का फिगर ना दे तो हम 1 साल से काम करेंगे, लेकिन यहां पे क्योंकि हमें कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, कंपेरेटिव हमें कंपेयर करना है, तो क्वेश्चन को 2 साल का इंफॉर्मेशन देना ही पड़ेगा, क्वेश्चन को देना ही पड़ेगा। आप उस इंफॉर्मेशन को देख के हम क्या करेंगे, कंपेरेटिव स्टेटमेंट बनाएंगे। कैसे, जरा चेक करो बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 1, आप चेक कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बता रहा है। देखो ना क्या बता रहा है आपको, बैलेंस शीट देखो आप, बैलेंस शीट के अंदर मेरे बच्चे एक आपका दे रहा है इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी साइड का शेयर होल्डर्स फंड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जिसमें कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल है, मतलब वो नीचे में नोट्स टू अकाउंट बताने के बजाय उसको आपने, उसने आपको यहीं पे बता दिया। आप छोटे बच्चे प्यारे प्यारे, आपको यहां पे नोट्स टू अकाउंट में इसके डिटेल में नहीं जाना इस चैप्टर के अंदर में, अगर जाना होगा तो थोड़े बड़े हो जाओगे बड़े बच्चे तब, बट यहाँ पे उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा, बस आपको एब्सोल्यूट और परसेंटेज बताना है। देखो ना शेयर होल्डर्स फंड में कहता है कि आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में कहता है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आपका 8% डिवेंचर है, फिर कहता है कि करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल आपका है, और आप ध्यान दीजिए फिगर जो क्वेश्चन में करंट ईयर और लास्ट ईयर का बता रहा है। मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाए जाते हैं तो पहले करंट ईयर का फिगर होता है फिर लास्ट ईयर का होता है। अगर मान लो करंट ईयर का लास्ट ईयर का ये उल्टा भी दे दे कि मतलब समझो मैं क्या बोलना चाहता हूं कि जनरली क्वेश्चन में 2019 एंड 2018 दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी उल्टा भी दे देगा तो झगड़ा नहीं करना कि आपने उल्टा कैसे कर दिया, आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो कहता है आपका ट्रेड पेबल है 6,03,00,000 रुपए, फिर आपके एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स है टेंजिबल 18 एंड 15, आपका करंट एसेट्स में ट्रेड रिसीवेबल है और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कहता है कि बताओ आप इसको कैसे सोल्व करोगे। अब सुनो मेरी बात, देखो मैं क्या करूंगा मेरे बच्चे, हम लोग यहां पे क्या करेंगे, लिखिए मेरे साथ सॉल्यूशन में कंपेरेटिव, आप लिखिए मेरे साथ कंपेरेटिव बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप बना रहे, कंपेयर किया जा रहा है कि पिछले साल से क्या ग्रोथ हुआ क्या नहीं हुआ है, और कब जी आपका कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2019, है ना, इस दिन हम लोग बना रहे हैं। तो ये देखो हम लोग क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको यहाँ पे 6 कॉलम्स रेडी करने, 6 कॉलम रेडी करना है। ये आपका 1 कॉलम हो गया, ये आपका 2 कॉलम हो गया, ये आपका 3 कॉलम हो गया, ये आपका 4th कॉलम हो गया, ये 5th कॉलम, और फिर आपका यहाँ पे 6th कॉलम, मतलब 6 कॉलम्स में हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। ये हमारा कॉलम जो होगा इट्स फॉर द पर्टिकुलर्स, ये हमारा कॉलम आपका पर्टिकुलर्स का है,
पर्टिकुलर्स। ये रहा आपका नोट नंबर, नोट नंबर मतलब नोट्स टू अकाउंट, जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। वो तब होगा जब जैसे आपका मान लो जैसे आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, तो यहां तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में एक ही नाम बता रहा डिवेंचर का, मान लो 8-10 नाम होते हैं तो मेरे बच्चे ये एप्स जो चेंज मैं दिखा रहा हूं वो फिर मैं नोट्स टू अकाउंट में दिखाता डिटेल उसका, लेकिन यहां कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सब कुछ यही बता रहा है। फिर आप लिखेंगे यहां पे, ध्यान रखना, अब हमें जब इसको बनाना है तो पहले आप लिखना है लास्ट ईयर का, प्रीवियस ईयर। यहां पे आप क्या करेंगे, जो आपका प्रीवियस ईयर है उसको आप यहां पे कोड करेंगे, और यहां जो आपका आएगा वो यहां पे आएगा आपका करंट ईयर। जरा क्वेश्चन पढ़ के बताओ कि इसमें प्रीवियस ईयर कौन सा है। सर 31st March 2018, लेकिन सर क्वेश्चन में तो 19 पहले दिया है, देने दो ना। बैलेंस शीट जब बनता है मेरे बच्चे इसी फॉर्मेट बनता है, लेकिन जब आप एनालिसिस करते हो एनालिसिस तो हमेशा प्रीवियस ईयर, यानी कि ये आपका हो गया 31st March 2018, और करंट ईयर यानी कि 31st March 2019 आपका। फिर यहाँ पे आप दिखाओगे एब्सोल्यूट चेंज, एब्सोल्यूट चेंज आपका यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा, और यहाँ पे आपका परसेंटेज चेंज आएगा। परसेंटेज एब्सोल्यूट का मतलब है कि एग्जैक्ट चेंज बताओ कितने रुपए का हुआ, और परसेंटेज का मतलब आपका हुआ मेरे बच्चे कि आपका परसेंटेज में कितना। अभी मैं दिखाता हूं आप यहां पे, जरा क्वेश्चन देखो क्या क्या बता रहा है। आइए जरा पहले आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ये मैं इसको पहले क्लोज कर लूं। अब आओ जरा नंबर वन, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं हम लोग, ये आपका हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। जरा बताओ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर में, लायबिलिटीज के अंदर में नंबर ए में आपको यहां क्या लिखना होता है, सर शेयर होल्डर्स फंड, ये हमारा होता है शेयर होल्डर्स फंड। आप मुझे बताओ शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में नंबर वन में क्या आएगा आपका, तो इट विल बी शेयर कैपिटल। और कौन से शेयर कैपिटल की बात कर रहा है क्वेश्चन में, वो कहता है इक्विटी, तो ठीक है मैंने यहां पे इक्विटी दिखा दिया, इक्विटी आपका, इसको मैं इक्विटी शेयर कैपिटल भी लिख सकता हूं। ये आपको कितना बता रहा है, कहता है कि 12 लाख पहले था, ये आपका पिछले साल जो था इट वाज 12 लाख रुपीज, और अब ये आपका 18 लाख का हो गया अमाउंट। अभी हम लोग इसको फिल नहीं करेंगे, पहले बाकी बातें लिख दे आपका। फिर क्वेश्चन में क्या है जरा चेक करो, आपका शेयर होल्डर्स फंड नंबर ए के बाद कोई रिजर्व सरप्लस की बात नहीं कर रहा, पर बच्चे यहां पे एनालिसिस हो रहा है, तो जिनके बारे में क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा उन्हीं के चेंज को सिर्फ बताना है। अब देखो ना, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आपका है, तो मैंने यहां पर लिखा नॉन करंट लायबिलिटीज नंबर ए के बाद आपका नंबर बी में यहां नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज। और जरा चेक कीजिए नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आपको हेडिंग का नाम क्या बता रहा जी, वो कहता है लॉन्ग टर्म बोरविंग्स। अच्छा मुझे बताओ लॉन्ग टर्म बोरविंग्स के अंदर में वो कौन से नाम को आपको बता रहा है, तो सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में कहता है डिवेंचर्स, और वो कितना परसेंट डिवेंचर है, वो कहता है आपका यहाँ पे 8% डिवेंचर, सिक्योर डिवेंचर्स है, तो 8% सिक्योर डिवेंचर, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1% सिक्योर डिवेंचर्स। यहाँ पे आप मुझे बताइए कि 8% सिक्योर डिवेंचर्स जो आपका है, 8% सिक्योर डिवेंचर्स, इसका अमाउंट कितना है। देखो ना, पिछले साल भी 6 लाख, इस साल भी 6 लाख, तो 6 लाख आपका यहाँ पे अमाउंट है और 6 लाख आपका यहाँ पे अमाउंट है। आप समझो मेरी बात ना, हम लोग बैलेंस शीट के आइटम्स को लिख रहे हैं। फिर कहता है कि करंट लायबिलिटीज, सी में आपका कहता है करंट लायबिलिटीज, और मेरे बच्चे करंट लायबिलिटीज के अंदर आपको जो नाम दिया हुआ है वो कहता है ट्रेड पेबल का, आई थिंक हाँ जी सर ट्रेड पेबल, तो ये लीजिए आपका ट्रेड पेबल, हमने ट्रेड पेबल जिसका अमाउंट आपको दिया रहेगा, रिपीट कर रहा हूं, जिसका अमाउंट आपको दिया रहेगा उनका ही एनालिसिस करना है। तो पिछले साल ये 3 लाख का अमाउंट था और बाद में 6 लाख हो गया। बच्चे अक्सर देखे गए हैं कि एग्जाम में गलतियां करते हैं, उनको वो पहले तो ध्यान रखना हमेशा प्रीवियस ईयर पहले होगा और करंट ईयर बाद में, फिगर हमेशा एग्जाम में जनरली उल्टा दिया रहेगा, मतलब पहले 19 फिर 18, तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया आपका जी लायबिलिटी साइड में, और फिर अमाउंट जो आपका है उसको मैं लिख दूं यहाँ पे, अमाउंट इसका कहता है कि 21 लाख है, 21 लाख, और ये कहता है कि आपका 30 लाख रुपीज, यानी कि जो टोटल आपका लायबिलिटी है, लायबिलिटी साइड जो 21 था, नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 30 लाख रुपीज का अमाउंट, इक्विटी लायबिलिटी हो गया। इसके बाद सेकेंड में आप यहाँ पे क्या करेंगे, विल राइट एसेट्स,
हम यहाँ पे एसिड्स को देखेंगे और एसिड्स के अंदर में आपने क्या करना है, एसिड्स के अंदर में नंबर ए में लिखो आप यहाँ पे, नंबर ए में नॉन करंट एसिड्स, नॉन करंट एसिड्स आपको क्वेश्चन में बस ये देखना है कि अमाउंट किसका कोट किया है, बस उसी का अमाउंट को हमें यहाँ पे एनालिसिस कराना है। नॉन करंट में कहता है मेरे बच्चे फिक्स्ड में टेंजिबल एसिड्स आपका है, तो ठीक है नॉन करंट में आप जानते हैं यहाँ पे फिक्स्ड एसिड्स में, फिक्स्ड एसिड्स के अंदर में टेंजिबल एसिड्स के बारे में बता रहा है, तो टेंजिबल एसिड्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर फिक्स्ड्स और नीचे में टेंजिबल एसिड्स ये भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये कहता है 15 और 18 लैक्स, तो आपका 15 लैक्स का अमाउंट यहाँ पे है, 15 लैक्स का अमाउंट यहाँ पे है और ये आपका अमाउंट कहता है 18 लैक्स का अमाउंट यहाँ पे, 18 लैक्स का अमाउंट 15 और 18 आपका, ये फिक्स्ड्स हमारा हो गया। फिर आपका करंट एसिड्स है, आप जरा आइए बी के अंदर में आपका करंट एसिड्स, आप बी के अंदर में यहाँ पे करंट एसिड्स में आप आइए, जरा बताओ करंट एसिड्स में कौन कौन से नाम है, दो नाम बता रहा, एक तो ट्रेड रिसीवेबल का और दूसरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिखो ना यहाँ पे लिखो ना, एक आपको कहता है ट्रेड रिसीवेबल, इसको नंबर दे सकते हैं आप ट्रेड रिसीवेबल, और दूसरा आपको कहता है यहाँ पे किसका है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देखो ये चैप्टर का अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना तो आपसे समझो कि प्यारा मतलब मार्क्स लेने में कोई है ही नहीं, मतलब ये क्वेश्चन ज्यादा प्यारा है आप तो कम हो थोड़े से। ट्रेड रिसीवेबल कहता है कि 5 लैक्स यहाँ पे है, ये 5 लैक्स का अमाउंट और यहाँ पे कहता है कि आपका 10 लैक्स का अमाउंट आपका है, तो 5 लैक्स और फिर यहाँ पे कहता है कि 10 लैक्स। बच्चे आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है ये कहता है कि 1 लाख का अमाउंट आपका है एंड दैट 1 लाख हैज बीन इंक्रीज टू 2 लाख रुपीज इन द करंट ईयर, तो ये हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया। अब आप इसको क्या करो, इसको भी क्लोज करो, जरा बताओ ये कितना हो गया 21 लाख का अमाउंट, ये आपका 21 लाख और यहाँ कितना हो गया 30 लाख। आप हैरान मत होना, आप हैरान मत होना कि 30-30 कैसे मैच कर गया एंड 21-20 कैसे मैच कर गया, अरे मैच क्यों नहीं करेगा, पिछले साल का जो एसेट्स लायबिलिटी है और इस साल का जो एसेट्स लायबिलिटी है वो तो मैच करता ही करता है। अब आपको एब्सोल्यूट चेंज के बारे में समझना है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे। आप देखो मैं मेरा कैलकुलेशन थोड़ा खराब है इसलिए कैलकुलेटर को अपने हाथ में लेता हूं और मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो आपका जो 12 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल था वो बढ़के 18 हो गया, मतलब आपका 6 लाख रुपीज से ये इंक्रीज किया है, ये इंक्रीज किया है 6 लाख आपका, जो 6 स्टार डिवेंचर आपका वो 6 ही रह गया तो कोई चेंज यहां निकल के नहीं आया, 3 लाख इंक्रीज करके 6 लाख हो गया तो 3 लाख से आप यहां पे क्या किए इंक्रीज कराए, समझ लो एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है कि अगर मैं इसको कॉलम ए कह दूं और इससे कॉलम बी कह दूं तो वी आर राइटिंग ए माइनस बी आपका, ये ए माइनस बी आपका होगा। उसी तरीके से 21 में से जब आपने यहां पे कहां चला गया 21 जो है वो बढ़ के अगर आपका 30 हो गया तो आपका यहां पे कितना निकल के आ गया जी, 21 बढ़ के 30 हो गया तो ये 9 लैक्स का अमाउंट आपका निकल के आ गया। ये हम लोग एब्सोल्यूट चेंज बता रहे हैं कि कितने से आपका इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे आपका जो अमाउंट है मैंने गलत लिखा मेरे बच्चे, एक्चुअली इसमें से करंट से हम देख रहे हैं ये ए और बी तो हम लोग ले रहे हैं बी माइनस ए, एक्चुअली मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 18 लैक्स जो हो गया 12 लैक्स से कितना आपका बढ़ा है, कितना इंक्रीज किया तो 6 लैक्स का अमाउंट, यहाँ कोई चेंज नहीं, जो आपका 6 लैक्स था सॉरी 3 लैक्स था बढ़ के 6 हो गया तो 3 लैक्स आपका इंक्रीज किया, ये आपका निकल गया यहाँ पे, इसको मैं एंड तक लेके जाता हूँ, एंड तक आपका समझ रहे हो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोबारा बता दूं कि 12 बढ़ के 18 हो गया तो 6 लैक्स से इंक्रीज किया है, इंक्रीज यानी कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव तब निकल के आएगा जब इसमें से इसको माइनस करेंगे, समझने के लिए हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं लेकिन फिगर क्या होगा उसके लिए हम यहां से इसको माइनस करते हुए देखेंगे। उसी तरह की 6 माइनस 3 3 हो गया, 30 माइनस 21 9 हो गया। अब यहां चेक करो, आप यहां चेक करो, कहता है कि 15 इंक्रीज करके 18 हो गया, मेरे बच्चे 15 बढ़ के 18 हो गया, ये भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी इंक्रीज कर रहा है कितने से जी 3 लाख से आपका, 3 लाख से आपका। मेरे बच्चे 5 बढ़ के 10 हो गया, ये भी आपका 5 लाख से यहाँ पे इंक्रीज किया। सर अगर डिक्रीज करता तो अगला क्वेश्चन है, पहले अभी यहां समझो। और 1 बढ़ के 2 हो गया तो मेरे बच्चे 1 लाख आपका ये भी निकल के आया।
तो ये टोटल जो आपका हुआ चेंज कितने का, या तो ऐसे देख लो 9 आएगा या फिर ऐसे देख लो 9 आएगा। हम लोगों ने एब्सोल्यूट चेंज, यानी कि हमें पता तो हो कम से कम कि जो हमारे आइटम्स हैं, जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे लायबिलिटी हैं, जो हमारे कैपिटल है, जो हमारे रिजर्व है, उसमें क्या चेंजेस आए हैं। मेरे पीछे कंपेरेटिव कंपेयर किया जा रहा है, मैं पिछले साल से इस साल को कंपेयर कर रहा हूं, चेंजेस देख रहा हूं कि किसमें क्या क्या कितने कितने निकल के आए हैं। और हाँ, मुझे ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती, आपके मार्क्स कितने हैं? आपने कहा कि सर मेरे 40 मार्क्स हैं। मेरे मार्क्स कितने हैं? मैंने कहा कि मेरे 30 मार्क्स हैं। तो चलो बताओ, आपने कहा कि आपका जो मार्क्स है आपका, आपने कहा 40, मेरा मार्क्स कितना है जी? 30। आपको जरा बताओ कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बोलो बोलो इसमें अच्छा परफॉर्म कौन कर रहा है? सर आप, मतलब आप कर रहे हो, आप, मेरा नहीं। मेरे बच्चे ये जवाब गलत है। मैंने तो आपको बताया नहीं कि आप 40 कितने में से लेकर आए हो। आप 40 लेकर आए हो मान लो 100 में से, और मैं 30 लेकर आया हूं 50 में से। जरा बताओ कि अगर 100 में आपका 40 आया तो परसेंटेज निकालो कितना परसेंट हो गया, 40%, और 50 में मेरा 30 आया तो परसेंटेज निकालो कितना हो गया, 60%। कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? मैं अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं आपके मुकाबले। मतलब एब्सोल्यूट जो अमाउंट होगा वो उतने अच्छी तरीके से बातें आपको नहीं बता सकता जितना कि परसेंटेज आपको बता सकता है, क्योंकि जब आप परसेंटेज निकालते हैं तो वो ज्यादा दिमाग में स्ट्राइक करता, ज्यादा एक्यूरेट आपको चीजें समझाने की कोशिश करता। तो पता मैं क्या करूंगा, सबका परसेंटेज चेक करूंगा। परसेंटेज कैसे निकल के आएगा, मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। ये जो एब्सोल्यूट चेंज है, मैं यहां पे बाहर करके दिखा देता हूं, एग्जाम में सिर्फ परसेंटेज आपको लिखना है और कुछ नहीं। ये जो 6 लाख का अमाउंट है आपका जो चेंज हुआ, चेक करो 12 लाख रुपीज के ऊपर, 12 के ऊपर ये 6 जो है उसका परसेंटेज क्या है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो चलो बताओ 6 लाख का जो आपका यहां पे चेंज हुआ वो 12 लाख के ऊपर में क्या परसेंटेज शो कर रहा है, 50% निकल गया। मतलब पिछले साल के मुकाबले हमारा जो शेयर कैपिटल है मेरे बच्चे वो 50% से बढ़ गया है। लेकिन जरा आगे चेक करता हूं, यहां पे ये देखो आपका 6 था, 6 रहा, कोई चेंज ही नहीं हुआ तो कोई परसेंटेज नहीं। समझ लो, कुछ चेंज हो तब तो परसेंटेज में निकालूंगा, अदरवाइज क्या निकालूंगा। और ट्रेड पेबल जो था आपका 3 इंक्रीज टू 6 हो गया, तो 3 से चेंज हुआ। जरा चेक करो परसेंटेज क्या बना, परसेंटेज मैं इस क्वेश्चन में यहां दिखा रहा हूं, एग्जाम में नहीं दिखाना ना, मैं आगे किसी क्वेश्चन में दिखाऊंगा। तो मेरे बच्चे 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख कितने पे, 3 लाख पे, और मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका, तो कितना आपका, सॉरी 100 कितना हो गया, 100%। मतलब जो ट्रेड पेबल आपके हैं, ट्रेड पेबल वो 100% से बड़े हैं पिछले साल के मुकाबले, 100% से बढ़े हैं। आपका शेयर कैपिटल जो है वो 50% से बढ़ा है। जरा चेक करो टोटल लायबिलिटी जो आपका है वो कितने से बढ़ा है, तो 9 लाख अपॉन 21 लाख। हमने क्या करना है जी, 9 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है ऑन 21 लाख, तो 42.86%। मेरे बच्चे 42.86% से आपका यहाँ पे चेंज निकल गया है, 42.86% आपका। बात समझ आ गई? तो इस तरीके से हमने काम पूरा किया। जरा आओ देखते हैं एसेट्स में क्या निकल के आता है। एसेट्स में फिक्स्ड 15 लाख का था, 18 हो गया, 3 लाख बढ़ा। जरा चेक करो 3 लाख ये 15 पे कितना। मेरे बच्चे हमेशा जो परसेंटेज बनेगा, मैं भी इसको नोट में लिखाऊंगा अभी, वो क्या जी, चेंज यानी कि 3 / 15 / 100 आपका, ये आपका आ गया 20%। तो ये 20% आपका यहाँ पे निकल के आ गया। फिर 5 लाख का चेंज ऑन 5 लाख 100% आपका हो गया। मेरे बच्चे 1 लाख का चेंज आपका 1 लाख पे, ये भी 100% हो गया। और आप जब यहां चेंज चेक करेंगे तो 9 लाख 21 लाख पे ये 42.86% निकल के आ जाएगा। फिर एक बात बताओ, चलो आपने 1/1 किया 100% समझ में आया, 5/5 किया फटाफट निकाल लिया, लेकिन सर 9 लाख को 21 लाख से डिवाइड करके इनटू 100 करके फटाफट कैसे निकाल दिया? अरे बदमाश, जितना ये है वही तो यहां पे आएगा। अरे सेम ही तो आएगा, लायबिलिटी का टोटल सेम है, एसेट्स का टोटल सेम है, तो यही तो आएगा। मैंने यही देख के यहां पर लिख दिया, मैंने कोई यहां पे जबरदस्त गेम नहीं किया, या मेरा कैलकुलेशन इतना फास्ट नहीं है कि मैं ऐसे ऐसे कर गया, बस वो वहां देखा और वहां कर गया। बात समझ आ रही है आपको?
अच्छा सर ठीक है सर, नोट लिखा दो ना, आप जो नोट लिखाने वाले थे तो लिखो ना मेरे बच्चे, लिखो ना, लिखो यहाँ पे जहाँ पे आंसर खत्म हुआ उसके बाद लिखिए नोट नंबर वन। ध्यान रहे नोट आपके लिए है, एग्जाम में नहीं लिखना। एब्सोल्यूट चेंज, अगर आपको एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है जी, आपका करंट ईयर अमाउंट, जो करंट ईयर का अमाउंट होगा, करंट ईयर अमाउंट, इसमें से आप माइनस करेंगे कौन सा, प्रीवियस ईयर अमाउंट। आपका जो प्रीवियस ईयर अमाउंट आपका है उस अमाउंट को मेरे बच्चे आप यहां से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो एब्सोल्यूट चेंज निकल के आ जाएगा। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू, अगर आपको यहां पे परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज, तो जरा बताओ उसका फॉर्मूला क्या हुआ, एब्सोल्यूट चेंज, जितना आपका एब्सोल्यूट चेंज हुआ वो लिखा हमने, डिवाइडेड बाय, जरा बताओ डिवाइड प्रीवियस ईयर से क्या कि करंट ईयर से, सर प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर आपका जो फिगर दिया हुआ है हर एक का आप वो लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देना परसेंटेज निकालने के लिए। सर एक बात बताओ ना, अगर मान लो यहां पे जैसे 12 था और यहां पे 18 हुआ तो यहां तो बढ़ गया, लेकिन सर मान लो 12 था और यहां पे 10 हो जाता तो फिर क्या करते, कुछ भी नहीं। अरे 12 अगर 10 हो गया तो डिक्रीज किया है, डिक्रीज किया है, यहां पे निगेटिव में चला जाएगा और निगेटिव ये आएगा तो परसेंटेज में निगेटिव आपका हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा मैं क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, मैं ज्यादा बोलूंगा आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आओ ना बुकलेट का क्वेश्चन नंबर टू और भगवान से प्रार्थना करना कि जो चीजें मैं बोल रहा हूं वो यहां पे मिल जाए। थोड़ा घटने घटने वाली बात है, मैं इसको मिटा दूं आपको, आपको नहीं माफ कीजिए, इसको मिटा दूं सर, हाँ सर मिटा दो, इससे मिटा दो और अगला क्वेश्चन कराओ सर, ये तो बहुत सिंपल चैप्टर है। हाँ बच्चे इससे सिंपल तो कोई चैप्टर हो ही नहीं सकता, लेकिन बिलीव करो जितना सिंपल आपको कॉन्सेप्ट लग रहा है इसका एनालिसिस उतना ही टफ होता है। आप जब कल को भगवान करे कि आप सीए सीएमए सीएस एमबीए की तरफ भागे और जब आप वो क्वालिफाई कर जाओगे ना तो आपको बड़ी बड़ी टीम के साथ आपको बैठना होगा, आपको एनालिसिस करना होगा, वो पूछेगा आपका जो वहां पे मालिक है कि जरा बताओ जी आपका शेयर कैपिटल कितने से बढ़ गया, तो मत कहना 10 लाख 12 लाख 20 लाख 50, बोला गया 50% से बढ़ गया, 20% से बढ़ गया पिछले साल, ये एनालिसिस हो रहा है। क्रिएटर्स में कितने का इंक्रीमेंट आया, ये एनालिसिस हो रहा है। फिक्सेड्स आपका बढ़ा है घटा, ये एनालिसिस होता है मेरे बच्चे, हम ये एनालिसिस करेंगे। और आप बिलीव कीजिए जब आप किसी कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां पे जो आप डिस्कशन करोगे इन्हीं लैंग्वेज में करोगे। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि सर तो ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा बड़े हो जाओ ना, थोड़े हाथ पैरों को और बड़ा हो जाने दो ना, थोड़े मूंछ पे मतलब मुंह पे शरीर पे और सारे बाल आ जाने दो ना, तो मतलब समझ लो क्या बोलना चाहता हूं, बस इतना कि आप थोड़े बड़े हो जाओ और बड़े होने के बाद आप किसी कंपनी के अंदर जाओ वहां पे वर्किंग करो और देखो फिर क्या मजा आता है। मैं वही मजा आपको दिलाने की थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूं अभी आपके स्टडी के अंदर में। क्वेश्चन नंबर टू कहता है कि प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। क्या बता रहा जी आपको बैलेंस शीट में, इस बार शेयर कैपिटल बता रहा बच्चे, इक्विटी का रिजर्व सरप्लस भी बता रहा है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल है, आपके एसेट साइड में कहता है कि वो फिक्स्ड है जिसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों बता रहा है, वो ट्रेड रिसीवेबल है एंड कैश कैश इक्विवेलेंट। आप चिंता नहीं करना, इनका डिटेल जैसे टेंजिबल में 5 नाम होते हैं वो आपको अलग से नहीं बोलेगा, जो एनालिसिस करना होगा यहीं पे करना होगा, इतना ही आपसे देगा ऐसे कर देने के लिए। तो आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, आपको पता है मान लो कोई बोले कि जरा बताओ कि कंपैरेटिव बैलेंस शीट में, लिखिए मेरे साथ फॉर्मेट दे रहे हैं आप, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, ये आपका कब का है जी, एज ऑन 31 मार्च 2019, एज ऑन 31 मार्च 2019, ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट में कोई पूछ दे कि कितने कॉलम्स होते हैं तो बताओ जरा आप कितने कॉलम्स बताएंगे। सर इसमें 6 कॉलम्स होते हैं, 1, 2, थोड़ा इसको बड़ा कर दूं मैं, बोलो ना थोड़ा बड़ा कर दूं, फिर आपका यहाँ पे 3 कॉलम, थर्ड कॉलम आपका है, ये फोर्थ यानी कि चौथा कॉलम है, ये फिफ्थ एंड सिक्स, 6 कॉलम की बात करता हूं मेरे बच्चे, ये आपका पर्टिकुलर्स हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया आपका यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे नोट्स
नोट नंबर देते हैं जिसकी हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे आपका पिछला साल क्वेश्चन में पिछला साल क्या है 2018, कुछ भी हो सकता है, 31st मार्च 2018, ये 31st मार्च 2018 करंट ईयर। हेयर वी राइट एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट चेंज, और आपका जो लास्ट कॉलम है हेयर वी राइट परसेंटेज चेंज आपका, तो परसेंटेज चेंज। आओ ना मैं इसको यहाँ पे करके पहले क्वेश्चन में जितने सारे अमाउंट है जैसे जैसे अमाउंट दिया हुआ है उन बातों को लिखो आप। तो पहले आपका कहता है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लीजिए हमने लायबिलिटीज साइड को कहा इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसको मैं यहाँ पे ए दे देता हूँ, कुछ भी दे सकते हैं नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। नंबर वन में यहाँ पे आ जाएगा शेयर होल्डर्स फंड, नंबर वन में यहाँ पे आएगा शेयर होल्डर्स फंड आपका, और इस शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में आपके जो नाम है उसमें एक आपका क्या दिख रहा है जी, शेयर कैपिटल, बच्चे शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में भी वो किस सॉरी शेयर की बात कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। सर ये आपका जो आप ये लिख रहे हो जैसे इसके अंदर में कि शेयर कैपिटल में अंदर में ये आएगा, क्या नोट नंबर वन में नहीं दिखा सकते? मेरे बच्चे दिखा सकते हैं, लेकिन समझो ना हमारे पास जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन दिया रहेगा जहां जहां फिगर कोड किया रहेगा बस वहीं पे चेंज बता देना है। आप छोटे बच्चे हैं, सारी बातें जो बड़े होने के बाद होगा वो सब यहाँ थोड़े सीख जाओगे, आप उतना ही सीखो जितना बता रहा है। ये कहता है 3 लैक्स का अमाउंट, फिगर उल्टा है, ये 3 लैक्स का अमाउंट है और ये आपका 360, ठीक है ना। इसके बाद अगला नाम कहता है वो शेयर कैपिटल के बाद, इसको नंबर ए कर दूं मैं, वन में नंबर ए था ये नंबर ए, और उसके बाद आइए बी में रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। जरा बताओ रिजर्व सरप्लस का ये अमाउंट कितना बता रहा टोटल? सर कह रहा रिजर्व सरप्लस जो आपका है 120 एंड 150, यानी कि 120 पहले था, नाउ दैट हैज बीन इंक्रीज टू 150, 150 हो चुका है। इसके बाद मेरे बच्चे फिर कहता आपका नॉन करंट लायबिलिटीज, तो आपका नंबर टू लिखिए आप यहाँ पे लायबिलिटी साइड में, नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और जरा चेक करो ना कि नॉन करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या बता रहा है यहाँ पे। वो कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, बस ना सर, हाँ सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स कह के इसका अमाउंट बता दिया है, तो लिखो ना यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब जरा चेक करो आप लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में आपका यहाँ पे जो अमाउंट है वो 170 एंड 250 और यहाँ पे कहता है कि 255,000। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका 170 एंड 255 हो गया। फिर बच्चे करंट लायबिलिटीज है जिसमें ट्रेड पेबल दिया हुआ है, तो विल राइट हियर थर्ड करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। आपको ध्यान रखना है कि फिगर आपका बिल्कुल सीधा लिख रहे हैं मेरे बच्चे, पहले 18 है फिर 19 हमारे इस कंपेरेटिव में, तो ट्रेड पेबल में क्वेश्चन में उल्टा दिया हुआ 19 18, हमें यहाँ पे 18 19 चाहिए, ट्रेड पेबल 150 एंड 120, तो यहाँ पे 150 और ये आपका 120, ठीक है ना। इसके बाद और देखिए आप, बस हो गया, ओहो शिट ये क्या कर दिया मैंने, मैंने नोट नंबर में लिख दिया इसको जबकि मुझे वहां लिखना चाहिए था, आज क्यों ऐसा कर दिया मैंने गलती। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने ठीक लिखा होगा मैं जानता हूं, मैं नोट नंबर का कॉलम यहां बना देता हूं, माफ कर दो मुझे आप, इंसान हूं गलती हो गई मेरे बच्चे, आप मुझे माफ कर दो। ये 31st मार्च 2018 था, ये 31st मार्च 2019 हो गया, और ये हम इसको कह दें एब्सोल्यूट चेंज। आप ठीक से लिख देना और प्लीज गुस्सा मत होना मेरे ऊपर में, मेरा ध्यान थोड़ा सा कहीं चला गया था थोड़ा सा, और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज चेंज। तो मैं इसको हटा के और यहाँ पे मैं लेकर आ जाऊं और लिखेंगे आप परसेंटेज चेंज, यहाँ पे बात समझ में आ रही है सर? हाँ सर। तो देखो ना अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि आपका ये लायबिलिटी साइड की सारी बातें खत्म हो गई हैं, इसको मैं क्लोज करके, इसको क्लोज करके, और यहाँ पे आपका जरा बताओ पिछले साल की लायबिलिटी टोटल कितना बता रहा है, 740, ये आपका 740 है, और इस साल का जो अमाउंट है वो कहता है आपका 885, ये 8,85,000, तो 740 आपका ये हो गया और ये आपका 885 हो गया, ठीक है ना। दिस इज टोटल आपका
टोटल किसका जी, ए का, मतलब लायबिलिटी साइड का। अब जरा आ जाओ बी में, हमारे पास एसेट्स हैं और चेक करो क्वेश्चन के अंदर में एसेट्स में कौन कौन से नाम और क्या क्या है, नॉन करंट एसेट्स। बच्चे आपको यहाँ पे नंबर वन में लिखा हुआ है नॉन करंट एसेट्स, और देखो जरा इसके अंदर में नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आपको वो कहता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। और इस फिक्स्ड एसेट्स के अंदर में दो नाम इस पर वो आपको बता रहा है, नंबर वन में टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल। आपको चिंता नहीं करना फॉर्मेट पे, जितनी बातें यहां पे दी हुई हैं उसी तरीके से हम यहां पे बातों को लिखेंगे। और इनटेंजिबल एसेट्स, तो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स आपको यहां पे, जरा बताओ टेंजिबल एसेट्स कितने हैं, सर 5,650। तो ये आपका 5 लाख का अमाउंट है, 5 लाख जो यहाँ पे आपका 650 का अमाउंट आपका हो चुका है, 5,650 आपका। और फिर आपका यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट जो इनटेंजिबल था वो आपका रिमेन कांस्टेंट, ये भी आपका यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट ही रह चुका आपका। तो 1,1 आपका, ये फिक्सेड्स की बातें हो गई, फिक्सेड्स का। पर बच्चे फिर करंट एसेट्स है और उसमें दो नाम है, लिखिए यहाँ पे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, और इसमें दो नाम है। नंबर वन में कहता है कि आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, और आपका नंबर टू में यहां कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ये हमने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। जरा बताओ ट्रेड रिसीवेबल में हमारे पास कितना है, 120, 125। ये 120 है और ये 125, ध्यान रखना फिगर आपको यहाँ पे सीधा करना पड़ रहा है। और मेरे बच्चे आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आपका 20,000 और यहाँ पे आपका 10,000। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे टोटल लिखा जाएगा बी, ये टोटल आपका हो गया आपका बी, ठीक है ना। जरा बताओ कितना हो गया, ये भी आ गया 740 और ये आपका आ गया 885, मतलब वही जो ऊपर में आपका है। बच्चे अब हमें एब्सोल्यूट चेंज चाहिए, मैंने कहा था अगर ये कॉलम ए है और ये कॉलम बी है तो वी ऑलवेज राइट बी माइनस ए, मतलब कितना इंक्रीज हुआ, 360 बढ़ के हो गया, 3 था तो 60,000 का इंक्रीमेंट आपका हुआ है। बच्चे 120 बढ़ के 150 हो गया, यानी कि 30 का इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट हुआ तो पॉजिटिव, इंक्रीमेंट ना हुआ तो निगेटिव। यहां भी इंक्रीमेंट हुआ है कितना, 85 का, 85,000 है ना बच्चे, 2 एंड ये ठीक है 85 का। यहां देखो 150 डिक्रीज टू 120, जो क्रेडिटर्स आपके हैं वो जो 150 थे वो घट के 120 डिक्रीज हुआ मेरे बच्चे, निगेटिव हो गए। तो जब भी निगेटिव होगा आपको यहां पे अमाउंट तो वही लिखना है जितने से बढ़ा या घटा, लेकिन दैट शुड बी इन ब्रैकेट, ये 30,000 से आपका डिक्लाइन हुआ है। तो 150 डिक्रीज होके 120 हो गया, यानी कि 30 से आपका, ध्यान देना बी माइनस ए, बी ये है, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो 120 माइनस 150 तो आपका माइनस 30,000 का अमाउंट वो निकल के आपका यहां पर आ गया, ठीक है ना। जरा बताओ ये कितना बन गया आपका टोटल, तो 740, 840, 145 से बढ़ा है, 145 आपका, ठीक है ना। ये आपका यहां जरा आ जाओ 5 बढ़ के 650, 150 का अमाउंट 150, ये कुछ भी चेंज नहीं हुआ, 120 से 125 हो गया, 5,000 का इंक्रीमेंट हुआ है, और 20 से 10 हो गया, डिक्रीज किया मेरे बच्चे 10,000, और ये विद इन ब्रैकेट आपका। तो आओ ना मैं अब इसके परसेंटेज को निकाल लेता हूं, परसेंटेज क्या निकल के आ रहा है जरा बताओ, 60,000 का अमाउंट ऑन 3 लाख इंटू 100 आपका, ये कितना आ गया 20%, ये हमारा 20% निकल के आ गया। तो आपका ये जो अमाउंट है यहाँ पे अगर परसेंटेज लिखा तो 20 छोड़ दो, या फिर 20% भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत आपके लिए नहीं है। मैं क्योंकि परसेंटेज लिख चुका हूं इसलिए 20 छोड़ देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 20% करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3120 पे आपका यहाँ पे 25% हो गया, जरा बताओ 85, 170 पे ये कितना हो गया 50%, और ये जरा ध्यान देना 30,000 ऑन 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये भी 20% आ रहा है, लेकिन ये जो 20% आ रहा है दैट इज कमिंग विद इन ब्रैकेट, अगर ये निगेटिव होगा तो निगेटिव आपका, बात समझ आ रही है। और जरा बताओ ये कितना आ गया, 145 डिवाइडेड बाय 740 मल्टीप्लाइड बाय 100 आपका, ये आ गया मेरे बच्चे 19
19.59% ये आपका आ गया यहां पे परसेंटेज है. यहां परसेंटेज निकाला हमने कितने से आपका बढ़ना घटना हो रहा है. आप समझ रहे होगे इसमें कुछ भी नहीं है. आप बताओ 150,000 पे इस पे 30% का परसेंटेज आ गया. ये कितना जी, कोई चेंज ही नहीं हुआ. 5 अगर हम देखें 5000 ऑन 120,000 तो मेरे बच्चे ये आपका परसेंटेज बन रहा है 4.17 राउंडिंग अप में. ये 10-20 पे 50 आएगा लेकिन ध्यान है विद इन ब्रैकेट. और हाँ ये चेंज इतना ही होगा जी 145 और जो परसेंटेज आएगा वो भी इतना ही होगा 19.59% आपका. बात समझ आ रही है? तो आपका इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या यहाँ पे इसको इंटरप्रेट किया मेरे बच्चे. इसका इंटरप्रेशन ये निकल के आ रहा है. आप प्लीज कॉपी कर लो यहाँ पे. आप इसकी कॉपी कर लीजिए. ये काम हमारा खत्म हुआ. मुझे तो कुछ और कराने का मन कर रहा था. ये तो बकवास सा क्वेश्चन था, बकवास सा क्वेश्चन. मैं और आगे निकलता हूँ. मुझे सच्ची में मजा नहीं आ रहा, कसम से बोल रहा हूँ. ये तो बकवास बकवास क्वेश्चन आज पता नहीं क्यों आए जा रहे हैं. एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना और बताना कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूँ आपके लिए. कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर ग्रोमोर लिमिटेड एंड गिव अ ब्रीफ रिपोर्ट ऑफ द इन्फरेंसेस यू ड्रॉ. इन्फरेंसेस का मतलब होता है कि आपका माइंड जो है, आपका जो आप एक रिपोर्ट बनाओ कि आप क्या देख रहे हो. इस कंपनी का इन्फ्लुएंस निकालो. क्या इन्फ्लुएंस का मतलब उसको बोला जा सकता है, मतलब क्या वो किस डायरेक्शन में कंपनी जा रही है. तो मैं आपको यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 में मैं इन्फ्लुएंसेज बता दूं क्या. पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बता रहा है. आ जाओ देखते हैं, हम लोग एनालिसिस कर लेंगे. कहता है कि यहां पे शेयर कैपिटल 2 से 3 हो गया. मैं सीधा पढ़ रहा हूं, 2 लाख से 3 लाख हो गया. रिजर्व सरप्लस आपका 2 से 2 ही रहा. लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4760 हो गया. क्रेडिटर्स जो आपके 67 लाख हो गए. फिक्सेड्स आपका 360 से 560 हो गया. 2 लाख से फिक्सेड्स में इंक्रीमेंट आपका हुआ है. नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 40 रह गया. ट्रेड रिसीवेबल आपका 8720 हो गया एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 20 से आपका 40 हो गया. बोलता है बताओ आप इसमें क्या इन्फ्रेंसेज, मतलब क्या आप इसके बारे में बताना चाहते हैं. तो आई जरा इन्फ्रेंसेज का बहुत अच्छा मतलब कंक्लूजन होता है कि आपने आपने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया वो जरा बताइए. तो मैं काम करता हूं, मन तो नहीं था बट इस क्वेश्चन को कर देता हूं इन्फ्रेंसेज को समझाने के लिए. लो इसको मिटाता हूं मैं, लो मैं इसको मिटाता हूं. आपने इस कंपनी के बारे में क्या कंक्लूजन आपने ड्रॉ किया है वो आपको यहां पे समझाना है. तो मैं पहले इसको हटा दूं और आई जरा मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन आपको दिखाता हूं. थर्ड क्वेश्चन चेक करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड मेरे बच्चे कहता है आपका, पहले उसी तरीके से थर्ड बनाइए मेरे साथ यहां पे. कंपैरेटिव कंपैरेटिव बैलेंस शीट. अब देखो आपने इससे क्या क्या चीज सीखा. मैं थोड़ा कंक्लूजन जो निकाला जाएगा बीइंग द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकालेंगे. ये कब का जी, एज ऑन 31st मार्च 2019. तो विल मेक 6 कॉलम से आपका 6 कॉलम में से पहला कॉलम, आपका सेकंड कॉलम, इस बार गलती नहीं करूंगा, जहां पे जो होगा वही लिखूंगा. 3 कॉलम, इट्स 4 कॉलम, इट्स 5th कॉलम एंड दिस वन इज 6th कॉलम आपका. तो ये आपका आ गया पहले पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स दिस नोट नंबर, नोट नंबर. इसके बाद आपका यहां पे जी 31st मार्च 2019 हियर वी राइट एब्सोल्यूट चेंज और यहां पे लिखेंगे हम परसेंटेज चेंज आपका, ठीक है ना. और फिर हम इससे क्या कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया है उसको भी हम यहां पे समझाएंगे. पहले आइए आपका इक्विटी एंड लायबिलिटीज. तो आपका इस साइड को हम लोग कहते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, ठीक है ना. लिखो यहां पे इक्विटी लायबिलिटी के अंदर में पहले कहता है शेयर होल्डर्स फंड नंबर 1,
यहाँ पे आपने लिखा शेयर होल्डर फंड, और मेरे बच्चे शेयर होल्डर फंड के अंदर में यहाँ पे आपको दो नाम बताए जा रहे हैं। नंबर ए है आपका शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और नंबर बी में इट्स रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस, ये दो नाम आप यहाँ पे दिखाइए। तो आपका शेयर कैपिटल है और दूसरा आपका यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस चेक करेंगे आप यहाँ पे। उसके बाद आपका बता रहा है नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर टू में यहाँ पे नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज। इस नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर में आप जरा चेक करेंगे मेरे साथ, एक कहता आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपका लिखे यहां पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स यहां पे। फिर मेरे बच्चे कहता आपका यहां करंट लायबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल आपका है, करंट लायबिलिटी यानी कि ट्रेड पेबल, थर्ड में आप आए यहां पे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, और इसमें जो नाम बता रहा आपको ए में ट्रेड पेबल का, तो आप लिखेंगे यहां पे ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, थर्ड में करंट लायबिलिटी एंड देयर इज ट्रेड पेबल आपका। इसमें क्रेडिटर्स कहता है, कोई बात नहीं, कुछ भी हो, जैसे क्वेश्चन कहेगा बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट आप यहां पे बनाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। और फिर आपके यहां पे टोटल आपका चला गया, टोटल मैं यहां पे दे दूं, ये हमारा टोटल चला गया। पहले मुझे बताओ शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है, 2 लाख 3 लाख, ध्यान रखना, इस पर गलती नहीं करूंगा, यहां से लिखना शुरू करूंगा, और फिगर 2 लाख एंड 3 लाख, मतलब सीधा करते हुए। इसके बाद बच्चे 2 लाख 2 लाख रिजर्व है, तो 2 लाख आपने यहां लिखा और यहां भी आपने फिगर दिखाया 2 लाख का अमाउंट। अब देखो ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर में 40,160, ये आपका यहाँ पे 40,000 का अमाउंट है और यहाँ पे आपका 160 का अमाउंट है, तो 40 दैट हैज बीन इंक्रीज टू 160। वो ट्रेड पेबल 60,000 जो था आपका यहाँ पे, वो 60,000 बढ़ के यहाँ कितना हो चुका है जी, 1 लाख का अमाउंट। आप पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन आपके पास ऑलरेडी है, आप वहां भी देख लो, तो ये 5 लाख का अमाउंट निकल के आ गया, ये हमारा 5 लाख का अमाउंट हो गया, और ये आपका जी कितना, 7,60,000 का अमाउंट आपका निकल के आ गया, ठीक है ना। ये हमारा लायबिलिटी साइड हो गया। बच्चे एसेट साइड में आप आएंगे, आप आइए जरा एसेट साइड में, और जरा सुनो, एसेट साइड में पहला नाम आपको नॉन करंट एसेट्स का बता रहा है, लिखो ना, लिखो ना, नॉन करंट एसेट्स, आप यहां पे नॉन करंट एसेट्स की बात कर रहे हैं। जरा बताओ नॉन करंट एसेट्स में कौन से नाम है, दो नाम दिया मेरे बच्चे, एक तो आपका फिक्स्ड का और एक आपका नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। तो लिखो ना यहां पे, पहला कहता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, एंड बी में कहता है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपका, ठीक है ना। तो आपके नॉन करंट जो इन्वेस्टमेंट है वो भी हम माफ कीजिए एसेट्स रिकॉर्ड कर लिया। फिर करंट एसेट से दो टुकड़े इनके हैं, नंबर टू करंट एसेट्स। मैं जानता हूं अब आप बोर हो रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ समझाने को मेरे लिए नहीं है और समझने के लिए आपके लिए नहीं है। बाकी जो भी चीजें हैं वो सब हम बड़े हो जाने के बाद, मतलब जब हम रियल लाइफ में आएंगे, फिलहाल तो बस लिख लो 80 एंड 120। पहले फिक्स्ड का अमाउंट नहीं लिखा, फिक्स्ड मेरे बच्चे 360 एंड 560, ये आपका 3,60,000 का अमाउंट आपका है और ये आपका 5,60,000 का अमाउंट आपका, ठीक है ना, 360 एंड 560। जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 40 एंड 40, मतलब नॉन करंट जो आपका है वो 40,000 और यहां पे 40,000 का अमाउंट। फिर करंट में आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है 80 120, लो मैंने लिखा ही नहीं, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल ये आपका 80 एंड 120 है, पहले 80,000 उल्टा फिगर और फिर आपका यहां पे 120, और वो आपका जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो 20 एंड 40 है, तो आपने यहां पे 20 लिखा और यहां मेरे बच्चे आपने इसको 40 लिखा, 20 40, ये क्या था आपका कैश एंड
कैश इक्विवेलेंट। आओ ना हम इनका भी टोटल कर लें, ऐसे ये पक्का है कि वही आएगा जो बुक में दिया हुआ है, बट फिर भी 4 ये 5 लैक्स। देख रहे हो पता मैं क्यों करता हूं ऐसे टोटलिंग, इसको करने का रीजन होता है कभी कभी कोई फिगर उल्टा चल जाता है, तो अगर आपने बिल्कुल सही किया होगा मतलब इधर का उधर उधर का इधर, तो फिर टोटल करोगे तो यही अमाउंट निकल के आना चाहिए। और ये आपका 6,760,000 का अमाउंट आपका। अब आओ जरा हम एब्सोल्यूट चेंज निकालते हैं। आप जानते हैं दिस इज ए बी, तो वी आर टेकिंग बी माइनस ए। अगर हमें ये जज करना है कि ये प्लस में हुआ कि माइनस में, तो बी, मैं कैसे करता हूं, 2 लैक्स इंक्रीज टू 3 लैक्स, 1 लैक्स से बढ़ गया, यहां लिखो कोई चेंज नहीं हुआ। 40 बढ़ के 160 हो गया, 120 से इंक्रीज किया है। 60 बढ़ के 1 लाख हो गया, 40,000 से इंक्रीज आपका हुआ है। और 5 बढ़ के 2760 हो गया, ये 2,60,000 का आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। पर बच्चे अगर हम फिक्सेड्स को देखें, यहाँ पे 2 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है, 2 लाख से आपके बढ़े हैं, 40 सेम रह गया, 80 बढ़ के 120 हो गया, यानी कि 40,000 ये भी बढ़ा है और आपका 20,000 ये भी बढ़ा है। और टोटल देखा जाए तो आपका या तो ऐसे देख लो या ऐसे, ये 260 का अमाउंट निकल के आ गया। अब जरा चेक करो परसेंटेज चेंज क्या है, 1 लाख डिवाइड बाई 2 लाख, ये 50% आपका निकल के आ गया, यहां कोई परसेंटेज नहीं है। यहां पे आपका 120 कितने से बढ़ा था, 120, जरा बताओ 120, ये 120 1,20,000 से आपका इंक्रीमेंट हुआ है, तो जरा चेक करते हैं आपका कि कितना निकल के आता है, ये 1,20,000 रुपए आपका मेरे बच्चे 1,20,000 ऊपर में आ गया। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइड बाय बेस यानी कि 40,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ओहो 300%, 300 मैं काम करता हूँ परसेंटेज हटा देता हूँ है ना, क्योंकि परसेंटेज यहाँ लिखा हुआ हम लोगों ने परसेंटेज, तो 300 तीन गुना बढ़ गया आपका। और ये 40,000 डिवाइड बाय 60,000 इंटू आपका 100, ये आपका आ गया 66.67%। तो यहाँ पे आपका जो अमाउंट आ गया 260 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई ये 52% आपका निकल के आ गया। यहाँ आओ ना आपका 2 लैक्स डिवाइड बाई 3,60,000 मल्टीप्लाई बाई 100 आपका ये आ गया 55.55%। यहाँ कोई चेंज है नहीं। पर बच्चे ट्रेड रिसीवेबल जरा चेक करो, 40-80 पे आपका 50% और 20-20 पे आपका 100%। आप बिलीव करो जब इसका भी निकालोगे तो यही परसेंटेज आएगा 52 आपका। अब मैं आपको बता रहा हूं कल को जब किसी कंपनी में जाओगे और वहां पे कहता है कि भैया आप यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ करो, कंक्लूजन तो क्या निकल के आपका आता है, आप जरा चेक करो यहाँ पे कैसे करेंगे। एक बार चेक करो कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, कि हमारे पास जो आपका यहाँ पे शेयर कैपिटल है हमने उसको 50% से इंक्रीज किया है, 50% से, जबकि लॉन्ग टर्म बोरविंग्स जो आपका है वो हमने कितने से इंक्रीज किया, 300% से। ये आपको कंक्लूजन बताना है, लिखो मेरे साथ यहाँ पे। नंबर वन लिखेंगे आप इन्फ्रेंसेज यानी कि अ ब्रीफ रिपोर्ट, रिपोर्ट कहता है ऑफ द इन्फ्रेंसेज, इन्फ्रेंसेज ड्रोन, क्या हमने ड्रॉ किया जी, लिखेंगे आप यहां पे नंबर वन कहता है कि इट शोज दैट देर इज इंक्रीज इन शेयर कैपिटल बाय रुपीज 1 लाख, आगे ब्रैकेट में दैट इज 50% एंड लॉन्ग टर्म बोरविंग्स बाय रुपीज 1,20,000 दैट इज 300% आपका। बच्चे कंक्लूजन निकाला हमने कि इतने इतने से आपका यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, वो हमने बताया आपका। फिर हम लोग क्या देख रहे हैं आपका यहाँ पे नंबर टू में, आप देखो इसके बाद एक्चुअली होता क्या, मैं आपको बताऊं, जब भी हम अभी ये पूरे बुक में सिखाऊंगा,
अभी ये मत कहना कि सर ये तो हमने सीखा नहीं था मेरे बच्चे, आगे अभी कैश फ्लो आएगा, रेशियो आएगा, सब जगह मैं आपको यही सिखाऊंगा। पता है क्या, जब भी कंपनी लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा रेज करती है, लॉन्ग टर्म सोर्स का मतलब हो गया जैसे कि आपका 1 लाख ये एंड आपका 120, इसकी बात नहीं करता ये पैसा, तो लॉन्ग टर्म सोर्स का जो पैसा होता है जनरली कंपनी रेज करती है आपके लॉन्ग टर्म जो एसेट्स होते हैं वहां पैसा लगाने के लिए। मतलब मैं शेयर्स से पैसा रेज करके मैं वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज नहीं करता, मतलब उसके इंप्लॉय को पे करने के लिए, आपका रेंट पे करने के लिए यूज नहीं करता। लॉन्ग टर्म से जब भी पैसा आएगा तो कंपनीज लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाती है। एक बार चेक करता हूं ऐसा हुआ क्या, क्योंकि 220 का लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा आया है, आप जरा चेक करो फिक्स सेट्स में आपने 2 लाख रुपीज लगाया है मतलब कंपनी लगभग ठीक है, लॉन्ग टर्म सोर्स से पैसा आया, लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगाया गया है। तो नंबर टू में आप कहते हैं, नंबर टू में आपका यहां पे कि इट शोज दैट देयर दैट फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स हैव बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2 लाख आगे ब्रैकेट में दैट इज कितना जी 55.55%। इट मीन्स कंपनी हैज यूज्ड मेजर पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस फॉर परचेजिंग फिक्स्ड एसेट्स। आपने बहुत सारा जो आपने जो पैसा रेज किया था उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपने फिक्स्ड एसेट्स को आपने यहां पे लगाने में किया, जो कि अच्छी बात है, ठीक है ना। नंबर थ्री, इट शोज दैट कंपनी हैज साउंड फाइनेंशियल पॉलिसी। बात समझ रही है, अगर हम लॉन्ग टर्म का पैसा लेकर हम खा जाते हैं, इंप्लॉय को रेंट पे करने में, सैलरी पे करने में, कमीशन पे करने में, एडवर्टाइजमेंट करने में अगर हम यूज कर लेते हैं मेरे बच्चे, फिर कंपनी ठीक नहीं है। लॉन्ग टर्म से जब भी पैसा आएगा लॉन्ग टर्म सोर्स में लगाओ। बात समझ रही है, ये कंपनी अच्छी कही जाती है, तो हमें तो कंपनी अच्छी लग रही है। ऐसे ही आप पॉइंट्स बनाएंगे सर। उसके बाद आपका यहां देखो ना, ट्रेड पेबल में इसका क्या करना है, इस कुछ नहीं बचे, ये छोटी छोटी बातें समझानी है, इसमें और भी बहुत सारी बातें इंटरप्रेट की जा सकती हैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तो आप बेसिक अभी एंट्री की हो अब इसके अंदर में, अभी थोड़ा और आगे बढ़ने दो, जब चैप्टर्स और आगे बढ़ेगा अपने बातें समझ में आएंगी। फोर्थ में आई जरा क्वेश्चन, सर ये आप कराओगे? नहीं मेरे बच्चे, आपने खुद करना है, और आप कहोगे तब भी नहीं, ये होमवर्क आपके लिए है। वैसे देखो आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है 60-60, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका है 15-15, रिजर्व सरप्लस आपका है 18-15, फिर आपका कहता है लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, आपका करंट क्या, आपका ट्रेड पेबल कहता है आपका यहाँ पे, फिर आपका नॉन करंट एसेट्स में फिक्सेट्स आपके हैं, करंट एसेट्स है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स जो है उनका डिटेल आपको बता रहा है। चेक करो, आप वहां पर लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आप जरा पॉइंट नंबर नोट नंबर 1 चेक कीजिए, आप वहीं पे जहां पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लिखा है मेरे बच्चे, नोट नंबर 1, अब यहां नोट आ गया, तो नोट मुझे कहां दिख रहा है, आप जरा आइए जरा नोट में देखो, पढ़ो क्या लिखा हुआ है नोट में, पढ़ेंगे आप। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स तो कहता है कि एक तो बैंक से हमने लोन लिया हुआ है, और एक आपका अदर्स, नीचे पढ़ो जहां पे आपका ये बैलेंस शीट खत्म हुआ उसके नीचे में नोट्स टू अकाउंट में आपको बता रहा है, दो नाम है यहाँ पे। बोलता क्या, सर अभी तो कहा था कि ये आपका नोट्स टू अकाउंट का डिटेल नहीं आएगा। हाँ बच्चे, मैंने कहा था, लेकिन अब तो आएगा, जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा वहां तो आएगा, बट क्या फर्क पड़ता है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये भी चलो करके दिखाई देता हूं। मुझे लगा था कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, लेकिन आप ऐसे ऐसे सवाल, कुछ भी नहीं होता, वो नोट्स टू अकाउंट में जो डिटेल आपको देगा ना,
उसको भी आप अंदर में लेकर ही आप उसको इंटरप्रेट करना शुरू कर दो। अगर नोट्स टू अकाउंट डिटेल दे दिया ऐसे, अगर क्वेश्चन को देखा जाए ना, तो जो उसने शेयर कैपिटल में आपको बता दिया इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसको भी वहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल लिख के बाकी नोट में देना चाहिए था। नोट्स टू अकाउंट में आता इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, पढ़े हो ना पिछला चैप्टर, लेकिन उसने अंदर ही दे दिया, देने दो फिर। जिसका नोट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का, उसको भी मैं अंदर लेकर आऊंगा। देखो मैं कैसे करता हूं। फोर्थ में कंपेरेटिव, आप लिखिए मेरे साथ कंपेरेटिव आपका बैलेंस शीट, कंपेरेटिव बैलेंस शीट आपका यहां पे बनेगा। और वो डेट क्या बना रहा आपको जी, 31 मार्च 2019 आपका। आओ ना हम इसको यहां पे रेडी करते हैं। यहां पे आपका रेडी, सिक्स कॉलम आपके बनते हैं, एक दो, इसके बाद आपका यहां पे तीन चार पांच और छह, ठीक है ना। ये हमारा पर्टिकुलर्स हो गया, मैं थोड़ा इस पर जगह बचाते हुए लिखूंगा क्योंकि बहुत सारे नाम है यहां पे। नोट नंबर यानी कि नोट्स टू अकाउंट का नंबर, फिर आपका ये 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019 एब्सोल्यूट चेंज, और फिर आपका यहां पे परसेंटेज चेंज, एब्सोल्यूट चेंज, यहां चेंज लिख देता हूं, नीचे लिखूंगा तो जगह खराब होगा, और परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। चलो शुरू करो। आप कहता है क्वेश्चन में आपका यहां पे क्या क्या है जी, एक तो कहता है आपका फोर्थ क्वेश्चन है इक्विटी एंड लायबिलिटीज, मैं थोड़ा जगह बनाऊंगा इसलिए छोटा छोटा लिखूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें नंबर वन में आप आइए और लिखेंगे आप यहां पे शेयर होल्डर्स फंड। मेरे बच्चे इसके अंदर में नंबर ए में आपका शेयर कैपिटल है, और शेयर कैपिटल के अंदर कौन कौन से नाम है वो नाम भी उसने आपको यहीं पे बता दिया। नंबर वन आपको कहता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल जितना डिटेल बताएगा वो सारे डिटेल आप यहां लिख के स्टडी करेंगे। नंबर टू में कहता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां लिखेंगे आप। फिर इसके बाद बी में कहता है आपका रिजर्व सरप्लस, क्या रिजर्व सरप्लस का भी डिटेल बता रहा है क्या, नहीं सर, तो ठीक है हम रिजर्व सरप्लस को पूरा ले लेंगे। फिर टू के अंदर में मेरे बच्चे नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में आपका नंबर ए में लॉन्ग टर्म बोरविंग्स, लॉन्ग टर्म बोरविंग्स आपका। बी में यहां पे आपका आएगा लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स यहां पे आएंगे, ठीक है ना। तो और हाँ एक मिनट रुक जाओ, माफ करो। बच्चे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का डिटेल नोट नंबर वन में है, और नोट नंबर वन में दो नाम बता रहा, मैं फिर उसको यहां पे लेकर आ जाऊंगा। कौन कौन से नाम है, एक तो कहता है बैंक से लिया हुआ लोन, मतलब बैंक लोन, और एक कहता है अदर्स। तो जो नोट्स टू अकाउंट है उसको भी अंदर लेकर आएंगे, मतलब पूरा डिटेल। अगर सिर्फ शेयर कैपिटल लेके छोड़ दिया रहता और यहां पे वन लिखा रहता तो उसका ये दोनों बात नोट्स में बताता, फिर मैं उसको यहां पे लिखता जैसे यहां लिखा। रिजर्व सरप्लस का भी नोट लेके अगर डिटेल बताता तो उसको मैं यहां पे लेके आता, फिर उसका स्टडी करता। तो कोई बात नहीं, इसका सिर्फ बता रहा है, एग्जाम में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, जो भी आएगा हम उसको कर लेंगे जी। और फिर आपका यहां पे बी में लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, यहां पे आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन्स, ठीक है ना। तो आज जरा देखते हैं क्या क्या हमारे पास है। एक तो शेयर कैपिटल में इक्विटी, पहले बताओ इक्विटी स्टार्टिंग में कितना था, 60, ध्यान है सारे फिगर लैक्स में लिख दूं मैं यहां पे, इन लैक्स, सारे फिगर लैक्स में। और ये कहता है कि 60 लैक्स यहां पे और यहां भी 60 लैक्स, कोई चेंज ही नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कहता है कि 15 और यहां पे 15 आपका,
मेरे बच्चे रिजर्व सरप्लस आपका 15 और यहाँ पे आपका 18 है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आपका डिटेल अब लिखा आपने, अब यहां कुछ मत लिखना क्योंकि इसका डिटेल आ गया। बैंक से लिया हुआ लोन बोरिंग कितना है 30 और यहां कहता है 27, 30 and 27 और अदर से लिया हुआ 15 और यहां पे आपका 18, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म जो आपके प्रोविजन है मेरे बच्चे वो 2 and 2 30 यानी कि 2 और यहां पे 2.30, समझ मेरी बात। ये आप देखो बैलेंस शीट में इसको बता रहा है लेकिन इसका डिटेल नीचे बता रहा है, तो उस डिटेल को हमने पूरा स्टडी करना है। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट है, एक एक आइटम को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में भी कई सारे नाम बताता नोट में, तो उसको मैं लिख के उसके बारे में स्टडी करता, समझ मेरी बात यहाँ पे। फिर आपका 3 में करंट लाइबिलिटीज, आप आइए जरा करंट लाइबिलिटीज और जरा चेक करते इसमें क्या क्या बता रहा हमारे पास जी। तो करंट लाइबिलिटी मेरे बच्चे आपका ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स और ये कहता है आपका क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स और ये अमाउंट आपका 13 and 14.20 ये हमारा हो गया। इसके बाद आपका टोटल यहां पे आ गया, आप इसको एंड तक लेके जाइए और हमारा टोटल जो है यहाँ पे ए जरा देखो इसका टोटल कितना है 31st में 2018 वाला 150 और ये कितना है जी 154.50, समझो मेरी बात यहाँ पे सर। हाँ अब इसके बाद आप आइए जरा एसेट साइड में, एसेट साइड में यहाँ पे मैं इसको नंबर ए कर देता हूँ मार्किंग। अब नंबर बी में आपका एसेट साइड में आइए और बच्चे एसेट साइड में आपको कहता है नंबर वन में नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। इस नॉन करंट एसेट्स में कहता है फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स और ब्रैकेट में टेंजिबल, टेंजिबल और फिर आपका यहां पे नंबर टू में करंट एसेट्स। पता ये क्वेश्चन मैंने क्यों कराया, बस ये आपको समझाने के लिए कि जिसका नोट्स टू अकाउंट में डिटेल बताएगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे और उसका डिटेल आप स्टडी कराएंगे जितने भी आइटम्स आ जाएंगे। करंट एसेट्स में आपका ए में कहता है ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल्स और ब्रैकेट में लिखा है डेटर्स और बी में मेरे बच्चे यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब मुझे लगता है कि आप ये क्वेश्चन कर जाएंगे। आपके जो फिक्स एसेट्स है ये कहता है 105 लाख और यहां पे 123 लाख। फिर आपका जो ट्रेड रिसीवेबल है 40 लाख और यहां पे 29.50 और जो आपका कैश एंड कैश है 5 और यहां पे कहता है 2। तो अब हम लोग यहां पे क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन मेक स्टडी। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, मुझे लगता है कि आप कर जाओगे फिर कोई बात नहीं। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, यहां ध्यान देना 15 बढ़ के 18 हो गया 3 यानी कि बी माइनस ए। यहां पे देखो घट रहा है यानी कि 3 आपका ब्रैकेट में है, ये बढ़ रहा है 3 पॉजिटिव है, ये 0.3 आपका पॉजिटिव है, ये आपका बढ़ रहा है 1.20, ये बढ़ रहा है कितना जी 4.50 आपका, ठीक है ना। यहाँ पे जो फिक्सेड है ये आपका बढ़ रहा है 18 से, ये आपका ये कम हो रहा है कितना जी 10.50, ये आपका 10.50 ठीक है ना। और यहां पे 5 डिक्रीज हुई है यानी कि 3 से ये कम हो रहा ना, ये ब्रैकेट में जाएगा, ये बढ़ गया ठीक है, ये कम हुआ और ये भी कम हो रहा है, 3 आपका ब्रैकेट में जाएगा। मैं जानता हूं अब इसको आप कर जाएंगे, इसको फिल करना है कैसे आप जानते हैं और ये आपका काम यहां मैंने खत्म किया मेरे बच्चे। तो मैंने आपको आज ना आज आपके कंपैरेटिव आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके दो पार्ट थे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव पोजिशन स्टेटमेंट यानी कि बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का कंपैरेटिव मैंने करा दिया, अगली क्लास में जब हम शुरुआत करेंगे मेरे बच्चे कंपैरेटिव आपका इनकम स्टेटमेंट यानी कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, वहां तो बहुत मजा आएगा मुझे पता है, यहां बोरिंग था
कुछ समझने को समझाने को था नहीं, कोई गेम यहाँ पे हुआ नहीं, सारी बातें क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना होगा, इंटरप्रेट करना होगा एब्सोल्यूट में और परसेंटेज में। इसके आगे की बात अगली क्लास के लिए है, हम अगली क्लास में मिलेंगे और कुछ अच्छी अच्छी बातों का डिस्कशन करेंगे, चैप्टर को और आगे लेके चलेंगे। मेरे बच्चे तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। इसके सिवाय बुक के किसी क्वेश्चन को भी टच नहीं करना, बाय बाय टाटा।